हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार एग्जाम पर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी यहाँ पर चलती रहेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे, आपको पता है कि हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर मॉडल पेपर की डेली डिस्कस करते हैं, जो आपकी क्लास ही होती है। डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है, जहाँ पर हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से आप क्वेश्चनों को सारी चीजें सीख रहे हैं और आप लोग बढ़िया तरीके चीजें सीख रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम बढ़ता चला जाए, आपको धीरे धीरे टेंशन भी होने लगेगी कि हम कैसे चीजों को समझ पाए। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फिर आज के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आज के प्रश्न आपके कैसे बनेंगे और कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करें, लाइक करते सारे बच्चे जो भी क्लास में आते जाए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बच्चा कि सबसे पहले नंबर आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सारे बच्चे बताएंगे। चलिए बताओ सारे बच्चे इसका आंसर क्या बनेगा। हाँ, इसका आंसर आपका आ चुका है, बताएंगे कौन सा बनेगा। आपसे उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे के साथ पहले के साथ यहाँ पर दे रखा है। कैसे बनाओगे और तरीका क्या होगा, आपको ध्यान से देने की जरूरत है। जल्दी से एक बार बच्चे सारे बच्चे जुड़ जाए, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है ना, बिल्कुल हाँ, सेशन को लाइक शेयर करते रहे साथ साथ में। अब देखेंगे जैसे इस क्वेश्चन को बनाने की बारी आती है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना, तो आपको दिक्कत किसी प्रकार से नहीं बनेगी। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले से बताई थी। यहाँ पर देखो क्या दे रखा, बी के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद कितना एल दे रखा। ठीक है, तो आपको पता है कि किसका दे रखा, डी, डी के बाद एम होगा, एम के बाद बाई 25 होगा, और जे की बात करोगे तो कितना होगा सर, जे आपका कितना 10 होगा। ठीक, ये कोड दे रखा था, मैंने कोड यहाँ पर लिख लिया। अगर बी की बात करेंगे 2 होगा, ओ का 15 होगा सर। ठीक है ना, अच्छा आधे में कोड लिख दिया आधे में वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 होगा, इसके बाद कितना सर, 23 होगा, और 23 के बाद ये 12 बनेगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं सर, जो आपने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है उसको किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाएगा। तो भैया ये 4 बनेगा और 4 के बाद ये कितना होगा सर, 13 होगा। अब देख लो यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे और तरीका आपका क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, बिल्कुल ठीक है, हाँ क्लियर हो गया ना। यहाँ पर देख के हम लोग चलते हैं कैसे यहाँ पर चीजें आपको बनाने की जरूरत है। आप बोलोगे सर 2 से कहाँ पर जा रहे हैं, प्लस 4 पे जा रहे हैं। ये आपको दिख गया कि सर 2 से 4 पे जा रहा है, बिल्कुल सर सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो, हाँ प्लस का कितना हुआ सर, प्लस का यहाँ पर 2 हो रहा आपको दिख रहा होगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगले की हम लोग बात करते, आपको पता है यहाँ पर हाँ बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा, बिल्कुल सही बात है सर। ओ के बाद कितना देखो, एम दे रखा, तो आपको पता है कि माइनस का कितना हुआ, ये माइनस का 2 हो गया, बिल्कुल सही है सर। ठीक, आपने देखा यहाँ पर क्या, आगे प्लस का 2 किया जा रहा, आगे फिर देखो आगे माइनस का 2 किया जा रहा, तो पैटर्न यहाँ पर कौन सा बनेगा, एक बार प्लस का 2 किया जा रहा, एक बार माइनस का 2 किया जा रहा, ये पैटर्न आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है। क्लियर होगा सारे बच्चों को। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जैसे आपको क्या दिया जा रहा बच्चा, प्लेट, तो प्लेट की बात करेंगे, पी का कोड कितना होगा 16 हो जाएगा, एल का 12 कोड होगा, ए का 1 होगा, और टी का कितना होगा 20, और ई का 5 कोड यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देख के चलते हैं कि सर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि सभी में एक बार प्लस का 2 जोड़ना है और एक बार क्या करना है, माइनस का 2 आपको जोड़ के चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आपने क्या देखा प्लस का 2, तो भैया प्लस का 2 आप यहाँ पर जब करोगे, प्लस का 2 करोगे तो आपको पता 18 बनेगा, और 18 की बात करें तो 18 किसका बनेगा, आर का। तो देखो यहाँ पर आप ऑप्शन पे नजर अगर करोगे तो कौन कौन से ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे, तो आप देखोगे सर यहाँ पर ये दे रखा तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन आपका या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, आगे जी दे रखा, आगे भी जी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर आपको पता है यहाँ पर सर माइनस का 2 होगा, कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2 अगर करोगे तो 10 बनेगा, और 10 की अगर बात करते 10 का कितना बनेगा सर, जी, तो आर जे यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्या आर जे। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दें और लाइक कर दें सारे बच्चे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर आप लोग बताओगे, इसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है आंसर कौन सा चला जाएगा, भैया आर जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, सर बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन बताएं कौन सा बनेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा कौन सा बनेगा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं क्या लिखा बच्चा, रैमो का कोड ये दे रखा, ठीक है, आगे आपको उसका कोड बताना कौन सा बन जाएगा, आगे कोड आपको बताना है कौन सा बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को कि नहीं, एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखो अब जैसे यहाँ पर रैमो का कोड आपको ये दे रखा है और आगे का कोड बताना तो कौन सा बनेगा,
मैंने आपको सिखाया था कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आपको इजोटी से याद रखना पड़ेगा। आर का कोड कितना होगा सर? 18 होगा। ए का कोड 1 होगा। एम 13 होगा। ओ 15 होगा। ठीक है, एस की बात करें, एस 19 हो जाएगा। सी 3 होगा। पी 16 होगा और एस 19 हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक, अब जब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, देखेंगे ध्यान सारे बच्चे क्या बताओगे। सर 18 से कितना 19 पे जा रहा? भैया 18 से 19 पे जाएगा, प्लस का 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पर हम लोग 1 से 3 पे जा रहा, प्लस का कितना होगा? सर 2 होगा, बिल्कुल सही है। 13 से 16 पे जाएगा, प्लस का कितना होगा? सर प्लस का यहाँ पर 3 बन जाएगा, क्लियर हो गया। 15 से 19 पे जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपका ये पैटर्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न आपको एक बार क्या देखा, एक बार प्लस हुआ, एक बार एक प्लस वन हुआ, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 3, प्लस का 4 हो गया। तो ये पैटर्न आपका यहाँ पर बन के निकल के आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लो, जैसे ये 22 की कितना 22 दे रखा है। बी की बात करेंगे, बी कितना होता है सर? 22 होता है। एक्स कितना होगा सर? 24 होगा। एम कितना होगा? 13। और जे कितना होगा सर? 10 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे इसकी बात करेंगे तो इसमें एक जोड़ा जा रहा, पहले नंबर एक जोड़ोगे कितना आएगा सर? 23 आएगा। और 23 कोड किसका होता है सर? डब्ल्यू का कोड होता है। देखो डब्ल्यू सभी में दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना जोड़ोगे? 2। दो जोड़ोगे तो आपको पता कितना बनेगा सर? 26। और 26 कोड किसका होता है सर? जेड का कोड होता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर क्लियर हो गया। ठीक, अगला देखो, अगले की हम लोग बात, अगला पता कितना जोड़ोगे? आपको पता है कि सर 3 जोड़ोगे, क्योंकि पहले में प्लस 2 और फिर 3 जोड़ोगे तो 16 आएगा। 16 की बात करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? पी निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो रहा होगा। अगला देखो, ये 10 की बात हो रही है, 10 के अगले की अगला हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 10 हो गया। 10 की बात करेंगे, कितना जोड़ोगे सर? यहाँ पर 4 जोड़ोगे। 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा सर? 14 बनेगा। और 14 जोड़ोगे तो इसका किसका होता है? यानी कि वाई जेड पी एन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाई जेड पी एन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल गया। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बच्चा, ठीक है। सारे साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी, इसका आंसर कौन सा जाएगा? डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्लियर हो गया। अगले की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगला कौन सा बनेगा? प्रसन्नता दुख है बच्चा, आपको बताना है बैमनस क्या हो जाएगा। बैमनस बताना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना बच्चा। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या बनेगा? बहुत बेहतर, ठीक है ना। बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाओगे, क्या तरीका लगा? प्रसन्नता दुख और बैमनस की बात की जा रही है, तो आप ऐसे देखो इस क्वेश्चन को, आपको सॉल्व करने का तरीका क्या लगाना। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले नंबर पे पहले का दूसरे के साथ संपर्क यहाँ पर देखा करो, कौन बनेगा। आपको पता है सर प्रसन्नता, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें बेटा प्रसन्नता, तो भैया प्रसन्नता क्या होता है? प्रसन्नता का मतलब क्या होता है कि खुश होना, ठीक। और इसी की अगर यहाँ पर बात करें, दुख दे रखा है यहाँ पर, तो दुख यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे के कैसे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट यहाँ पर निकल आ रहे, ठीक। यहाँ पर देखो क्या दे रखा, बैमनस दे रखा। किसकी बैमनस? तो बैमनस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? बैमनस का मतलब ऐसा होता कि बहुत ज्यादा डार्क इंसान, मतलब ज्यादातर गुस्सेल इंसान की हम लोग बात कर सकते हैं। जो इंसान गुस्सेल ज्यादा होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है बच्चा। और बात करते हैं तो इसका गुस्सेल का यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? आपका समझता बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि समझता का मतलब होता है बहुत शांत, शांत तरीके का इंसान, जो समझता जिसके अंदर होती है उस तरीके का आपका यहाँ पर क्लियर बन जाता है, ठीक है। तो सारे बच्चे बताएंगे आंसर कौन सा बनेगा? बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक। आंसर कौन सा जाएगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों? बिल्कुल सर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बता दो यहाँ पर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, कागज स्टेपलर है तो कपड़े बता दो। कागज स्टेपलर है तो कपड़े, इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कौन सा बनेगा, और इसका बनाने का तरीका क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको याद रखनी है, क्या कि कागज स्टेपलर है। स्टेपलर समझते हो क्या होता है? स्टेपलर का मतलब हम लोग समझ लेते जरा, क्या रखा बच्चा? स्टेपलर है, यहाँ पर स्टेपलर की बात की जा रही है। तो भैया स्टेपलर से क्या होता है? स्टेपलर एक तरीके की मशीन होती है ना, जिसे हम लोग कांटे लगाने वाली मशीन बोलते हैं, ठीक है बच्चा। आपको पता है यहाँ पर क्या, स्टेपलर से क्या होगा बच्चा? कागज को क्या किया जाएगा? ठीक किया जाएगा। कागज को ठीक करने मतलब कागज को सारी से जोड़ दिया जाएगा, ये बात यहाँ पर हो रही है। अगर आप कपड़े की बात हो रही बताओ,
कपड़े की बात यहाँ पर हो रही, तो कपड़े क्या डिटर्जेंट से मतलब नहीं होगा? ये क्या डिटर्जेंट क्या होता है बच्चा? एक तरीके का साबुन होता है, ठीक, जिसे हम लोग पाउडर बोलते हैं। डिटर्जेंट हो गया, डायर होगा, डायर से मतलब आपका अलग हो गया, ये भी कोई मतलब नहीं होगा। वॉशिंग मशीन, तो भैया धुलने की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बना बेटा? हैंगर बच्चा, ठीक है, ये हैंगर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हैंगर का मतलब क्या होता है? टांगना। हैंगर का मतलब क्या होता है? टांगना होता है, ठीक है बच्चा, क्या होगा? टांगना, किसी चीज को टांगना, है ना, क्लियर हो गया। तो भैया कपड़े कहाँ पर टांगे जाएंगे बताओगे सर? किस पर टांगे जाएंगे? हैंगर पे आपके टांगे जाएंगे। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक भी साथ में करते रहें। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे एक बार जोरदार तरीके सेशन को शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चे क्लास का जिनको टाइम नहीं पता है वो यहाँ पर जल्दी से जुड़ पाए। बच्चा अगला क्वेश्चन बताएंगे आपकी स्क्रीन पर आज का, बताओ। ट्रैक्टर का कोड 14 है, ट्रॉली का कोड 14 है, और स्कूटर का कोड आपको बताना है। सारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, कौन सा बन जाएगा? बहुत बेहतर। बताओ देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले यहाँ पर 14 की बात हो रही है, यहाँ पर 14 की बात हो रही है, अब क्या करोगे? जैसे ट्रैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, ट्रैक्टर जो दिया गया है, ट्रैक्टर, ठीक है बच्चा। अब कैसे यहाँ पर चीजें समझ पाओगे? आप देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 भैया इसका टोटल कितना बन रहा? 7। 7 लेटर इसमें दिए थे, 7 लेटर दिए थे, हमें लाना 14। तो यहाँ पर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ठीक है, 14 यहाँ पर निकल के आ गया। अगला देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब भी यहाँ पर कितना? 7 है बच्चा, और ये 7 है, इसका भी कितना आ रहा? 14 आ रहा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया 7 इसका भी है, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना निकलेगा? सर आपका 14 निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका तरीके से आपका आंसर कौन सा जाएगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कैसे आपने किया आपको समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो आंसर आपने देखा कि यहाँ पर आंसर कौन सा? बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। चलिए एक बार सेशन को जल्दी से शेयर करते रहे आप लोग, सेशन को लाइक से रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और जल्दी से करते रहेंगे, इसी तरीके से आप चीजों को सीखते रहेंगे। बताओ उसका आंसर क्या बनेगा? स्टेयर का कोड ये है, तो उसी कोड में मोल्ड का कोड बताना है, कौन सा बनेगा? मोल्ड का कोड आपको बताना कौन सा बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे सब होली की तैयारियों में लग गए हैं, है ना, होली की तैयारियों में अभी से लग गए भैया, ठीक है। अरे बेटा एग्जाम है आपका, आप पढ़ लो, स्टडी गर्ल। चलिए राम राम बेटा, राम राम। हाँ बताएं सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता देंगे यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, बताओ। तो आपको पता है कि भैया होली तो आने वाली है, और अगर होली की तैयारियों में आप लग गए हो ना, तो भैया बढ़िया तरीके से गुजिया बनाइएगा, है ना, और उससे एग्जाम से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत करेंगी। यहाँ पर क्लास चल रही और आप लोग होलियों की तैयारी में लगे पड़ा, बताओ। आपको ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो होलियों की तैयारी में लगे होंगे, ठीक है ना। चलिए देख लो ध्यान से बच्चा, स्टीयर का कोड आपको दे रखा है, स्टीयर, तो भैया स्टीयर का कोड क्या है? STAR और E, ये है, ठीक है। इसका कोड देख लो यहाँ पर कितना लिखा है, ये 19, 20, 1, 18 और 5। अब ये कोड जो देखोगे और 40 वाले कोड की बात करोगे, दोनों के दोनों कोड कैसे बचा, दोनों कोड कैसे सेम है, यहाँ पर कोड और ये कोड कैसे दोनों सेम दे रखे हैं। अब अगर सेम दे रखे इसका मतलब क्या होगा, ये रियल है इसके कोड, ये इसके कोड कैसे, सर इसके कोड ये रियल है, रियल कोड का मतलब प्लेस वैल्यू वाले कोड यहाँ पर निकल के आ जा रहे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर कोड किसका बच्चा, MOUELD की बात करना है, ठीक है। आपको पता है M का कोड कितना बनेगा सर? 13 होगा, O का कोड 15 होगा सर, U का कोड 21 होगा, L का 12 कोड होगा, और D का कितना होगा? 4 कोड होगा। तो यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से आंसर आपने देखा कि कौन सा बनेगा सर, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे 13 15, तो देखो 13 15 यहाँ पर देखो 13 12 है, 13 21 है, ऑप्शन तो इन्हीं दो में से जाएगा, बिल्कुल सर जाएगा।
अब देखो 13 15 के बाद 12 दे रखा है, 13 15 और 21, यहाँ पर 21 वाला होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी बनेगा। हाँ बिल्कुल स्टडी गर्ल, बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आया हुआ। चलिए समझ में आ गया ना, तो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो बेटा मैं बता दे रहा हूँ आपको, इचोटी से याद रखना है, इचोटी आपको बिल्कुल याद रखना है। 5 10 15 20 और 25 है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अगला देखो, बताओ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी बताइए, बताओ क्या बनेगा? आपसे बोला 4:05 पर घड़ी घंटे और मिनट के सुई के बीच में बनने वाले छोटे कोण का मान बताना, बनने वाले छोटे कोण का मान आपको बताना कितना बन जाएगा। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। एक बार सारे सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर दो जल्दी से। हाँ देखो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, देखो 4:05 की बात हो रही, मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, याद है क्या बताया था? 60H-11M यानी कि 60H-11M, ये आपको बताया था कि आपको चाहे जैसा एंगल निकालना आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना बनेगा? सर ये H होता है, ये मिनट दे रखा है, ठीक। तो कितना बनेगा? 60 × कितना आ जाएगा सर? एच की बात कर रहे हो तो एच की आपको पता कितना बनेगा सर? 4 हो जाएगा। माइनस 11 की बात करो, 11 के बाद कितना दे रखा? मिनट, मिनट कितना है सर? 5। यही तो है, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। और 2 से क्या करोगे? डिवाइड कर दो। 6 × कितना बनेगा सर? 40। 240 हो गया। माइनस करो 11 × 5 कितना होगा सर? 55 हो गया। क्लियर हो गया। और 2 का आपसे डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पर घटाने का तरीका देखो, यहाँ पर माइनस करने का तरीका देखना। जैसे आपको पता 40 तो ये जाएगा, और 40 में और कितना जोड़ जाए? 15 हो जाए। 40 में और कितना? 55 हो जाए। तो 40 15 उधर से तो कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 15 जाएगा तो 100 कितना आ जाएगा सर? 85 आ जाएगा। कितना? 185 आ जाएगा। 185 को जब 2 से डिवाइड करोगे, देखो 9 बार तो जाने ही जाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही सारे बच्चों को, कैसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना? चलिए ये प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते बेटा, क्या बात है? ऐसा बोलोगे तुम लोग? एक बार देख लो प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। हाँ एक बार देख लो, मैं फिर से बता दे रहा हूं। जब इन दोनों कोण की बात करेगा, ठीक है, एंगल की बात करेगा ना, तो एंगल में आपको सीधा सीधा क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा? 60H-11/2। तो यहां पर केवल देखो ये मिनट है, ये घंटा है और ये मिनट दे रखा है। तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप कर ले, बताओ जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे अब हो जाएगा कि नहीं। चलिए हाँ एक बार जल्दी से बताएंगे। अच्छा 150 तुक्का लगा रहे थे, इसका मतलब, इसका मतलब तुम लोग तुक्के लगा रहे थे। हाँ कैसे तुक्का लगा दिया बेटा? 150 लगा दिया, 150 हो गया। मैंने क्या बताया? केवल कैलकुलेशन है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर और दो, एक क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ जल्दी से। बताओ ये है 5:40 दोनों सुइयों के बीच कोण बताओ कितना बनेगा? इसका आंसर सारे बच्चे आप लोग करोगे, आप लोग करोगे 5:40 कोण कितना होगा? बताओ इसका। देखो मैंने क्या बताया कि आपको पता है ये क्या है, ये आपको पता है घंटा है, और ये क्या है? मिनट है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बताया? कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 60H-11M अपॉन का कितना होगा सर? 2 होगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। आपको पता 60 हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है? 5। माइनस की बात करोगे, बिल्कुल सर सही बात है। यहाँ पर आपको करना है क्या कि माइनस करेंगे, देखो 11 11 × m की बात करें, m कितना है? 40। तो ये 40 हो जाएगा, अपॉन करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब देखो केवल कैलकुलेशन ही तो करना है, हाँ केवल
कैलकुलेशन ही तो आपको करना है। बिल्कुल समझ में आ गया सारे बच्चों को? ठीक, चलिए देखो यहाँ पर ध्यान से बोलो को, 6 पंचे कितना होगा सर? 300 होगा। 300 माइनस करेंगे 11 चौक कितना होगा? 44। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब क्या करोगे? आपको पता है 140, हाँ 140 बचेगा, 140 आपका यहाँ बचेगा कि नहीं? बिल्कुल, आंसर डिलीट कर दिया बेटा, क्या बात है, तुम लोग बहुत होशियार हो। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना निकलेगा सर? 70 आंसर निकल के आ जाएगा। तो 70 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, 20 आएगा, गलत आंसर कर दिया बेटा। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 5:40 दे रखा है, 5:40 दे रखा है, हाँ, कैलकुलेशन गलत कर दोगे क्या बेटा? डेली क्लास में आती हो फिर भी गलत करती हो बेटा, घर पर रिवीजन नहीं लग रहा कर रही हो? हाँ, ऐसे क्वेश्चन अगर डेली गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ बेटा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मेरी क्लास को आप ले रहे हो बेटा, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ। एक बार थम्स अप करके बताएंगे समझ में अब आ गया है कि नहीं, जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो कैसे आपने किया? 5:40 दिया था, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में आपको सीधे टिक कर दिया। यहाँ पर आपने देखा इसको सॉल्व करके आपका आंसर 70, क्योंकि यहाँ पर 140 बचेगा। ये माइनस प्लस से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। अगला बताओ। अच्छा, अब आगे से नहीं होगा, बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप गलत नहीं करेंगे। अगला बताओ, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से देखो। किसकी बात की जा रही है? लीप वर्ष की बात की जा रही है। आपको पता लीप वर्ष की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो लीप वर्ष में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में दो तरीके के वर्ष होते हैं। कौन कौन से देख लो जरा बच्चा। आपको पता है एक आपका कौन सा होता है? लीप ईयर्स होता है, और दूसरे की हम लोग बात करते हैं बच्चा, एक क्या होता है आपका? लीप ईयर होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका जनरल ईयर्स होता है, सामान होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका अगर हम बात करें बच्चा, ये हो गया। अब लीप ईयर की बात करेंगे, लीप ईयर में कितना होता है आपको पता है? लीप ईयर में आपके कितने 366 डेज होते हैं। जनरल ईयर की बात करें या आपको सामान्य वर्ष की बात करें, 365 होते हैं। ठीक, कितना? 365 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे देखो ध्यान से। आप बोलोगे सर इसमें हमें लीप ईयर पता कर, सॉरी विषम दिन पता करते हैं। तो विषम दिन पता करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे दिन दिए होते हैं उनमें क्या करते हैं, 7 से आप डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करोगे आंसर निकल जाएगा। कैसे देखोगे? बोलोगे सर 366 की बात हो रही है, और 366 में क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। 7 पंचे कितना बन गया सर? 35 हो गया। डिवाइड करेंगे कितना बनेगा सर? 1। 7 दूना कितना हुआ सर? 14। यहाँ पर आपने देखा दो विषम दिन, जो शेष पल बचता है वो आपका विषम दिन होता है। एक बार कमेंट करके बता दो, ये 52 जो आया ये 52 क्या है बताओ? ये 52 जो आया ये क्या निकल के आया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर ये आपका 52 जो निकल के आया ये क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। तब तक इसका देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 365, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो इसका आंसर कितना जाएगा सर? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। इसका देख लो, जैसे इसकी बात करेंगे 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता 7 पंचे कितना हो गया सर? 35 हो गया, बिल्कुल। और 7 दूना कितना हो गया सर? 14 हो गया। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, इसमें आपका अगर पूछे तो एक आपका विषम दिन यहाँ पर निकल है, कितना? एक विषम दिन आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा बताओ ये जो 52 निकल के ये क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ये जो 52 निकला है ये क्या है? तो भैया इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं, अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इनको बोलते हैं वीक, यानी कि सप्ताह। ठीक, इनको क्या बोलते हैं बच्चा? सप्ताह बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए
क्लियर आ गया सारे बच्चों को। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में देखो कितनी सारी चीजें हमने आपको बता दी। तो अगर लीप वर्ष पूछे तो दो विषम दिन, अगर साधारण वर्ष होगा तो आपका एक विषम दिन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और कभी कभार ये पूछ लेता है कि इसमें सप्ताह कितने हैं, तो आप सप्ताह का भी आंसर यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दो। बताओ जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, इसका आंसर बताओ कौन सा बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा आंसर। अनु शाम 3 बजे वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकलती है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी, अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। इसका आंसर क्या बनेगा, देखो सबसे पहले जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अनु का जो समय है वो 3 बजे होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे वो निकलती है। देखो 10 बजे वो निकल जाती है तो पक्का है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब 3 बजे उसकी एक मीटिंग होनी है। अब यहाँ पर क्या पहला कत्र क्या दे रखा है बच्चा, अनु मीटिंग वाली जगह पर 11 बजे पहुंच जाएगी, पहला ये दे रखा। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए ये बात समझ में आ गई, मतलब क्या बताया, अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे पहुंच जाएगी, सॉरी 11 बजे पहुंच जाएगी। तो देखो ये हम कह नहीं सकते, ये हमें नहीं जानकारी है ना, हो सकता है ट्रैफिक लग जाए, हो सकता है कि रास्ते में जिस गाड़ी से जा रही वो गाड़ी खराब हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। मतलब 11 बजे हम ये बात को अगर हो सकता है उसके बगल में ही मतलब उसके ऑफिस हो, वो अलग बात है, वो कंडीशन हम लोग ये चीज नहीं सोच के चलेंगे ना, इसका मतलब पहला वाला कैसा होगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो, अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी, इसकी पूर्व धारणा ये लगाई जा सकती है। जैसे मान के चलते हैं आप लोग एग्जाम देने वाले हो, ठीक है ना, एग्जाम देने वाले हो बिहार सिविल कोड का, तो उसमें कंडीशन क्या होगी, उसमें हम पूर्व धारणा क्या लगा सकते हैं कि इनमें से कुछ बच्चे पास होंगे। अब वो कौन बच्चे पास होंगे ये उसकी मेहनत पर डिपेंड करेगा ना, उसकी मेहनत पर डिपेंड करेगा कि कौन से बच्चे हैं जो पास हुए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ पर आयदर वाला आयदर वाला लगे, नहीं आयदर वाला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आयदर ऑप्शन आपका नहीं दिया गया। क्लियर हो गया बच्चा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपका कौन सा सेकंड वाला सही हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे केवल ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक भाई, मीटिंग का समय है तो 3 बजे से पहले पहुंचने की वो पूरी कोशिश करेगी, पहुंचे ना पहुंचे वे अलग बात है। जैसे मान के चले मेरी क्लास 3 बजे होती है, तो अगर मेरी मतलब पूरा कोशिश ये रहेगी कि मैं 3 बजे से पहले स्टूडियो में आ जाऊं और क्लास को अपना सेट सारी चीजें सेट कर लूं, ये बात समझ में आ रही ना, तो ये चीज आपको दिमाग में लगा लेनी। ठीक, अब पता चले मेरी क्लास 3 बजे है, मैं यहाँ पर 11 बजे क्या करूंगा, बताओ बताओ आप बताना, यहाँ पर मैं 11 बजे क्या करूंगा, अगर भाई 11 बजे किसी और की क्लास होगी, यहाँ पर मैं इतना पक्का है कि मेरी क्लास 3 बजे से होती तो मैं 3 बजे से पहले तो क्लास में पहुंच जाऊंगा, ये बात याद रखनी है। ठीक, क्लियर हो गया सारे बच्चों को, एक बार थम्स अप करके बता देंगे सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे, चलिए ठीक है। इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको इसका वो लेना हो, चलिए अगला बता दो। मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं, एक बार जल्दी से बताएंगे इसका आंसर कौन सा बनेगा। मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूं और शिक्षक बनना चाहता हूं, मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूं, मैं एक स्कूल शिक्षक हूं, बताओ इसका आंसर कौन सा बनेगा। क्लियर हुआ, चलो देखो यहाँ पर कैसे बनाओगे। सबसे पहले नंबर पे लिखा गया, इसमें ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ, ठीक है, और शिक्षक बनना चाहता हूँ, मतलब उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, समझना क्या लिखा है, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। भैया शिक्षक कौन बनेगा, जो पहले से शिक्षक नहीं होगा शिक्षक तो वही बनेगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, बिल्कुल
जय मंगल, जय मंगल कुमार बी ऑप्शन कर रहे, देख रहे जरा ध्यान कौन सा बनेगा। देखो ध्यान देना, मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ, ठीक है, और शिक्षक बनना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसने बोला है कि शिक्षक मैं बनना चाहता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या, मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, भैया इस बात को नहीं, क्योंकि अगर वो स्कूल शिक्षक होगा तो क्यों बनना चाहेगा, तो नहीं बनेगा, इसका मतलब दूसरा कैसा होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा भैया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर हो गया। अरे क्या बात है, तुम लोग तुक्के लगा रहे हो, सारे के सारे तुक्के लगा रहे हो बेटा। हाँ स्टडी गर्ल एक बिल्कुल, ओनली फर्स्ट बनेगा, ओनली फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बनेगा, बिल्कुल सही आंसर आपने लोगों ने दिया। चलिए हाँ शीलम यादव गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, क्लियर हो गया सारे बच्चों को। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं आपकी स्क्रीन पर है, बताएं क्लियर हो रहा है ना। चलो आंसर भरो इसका कौन सा बनेगा, देखो क्या लिखा है, ए बी सी डी और एफ युक्त घनाकार गुटके की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या आपका होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा कौन सा आपका बन जाएगा, तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे इसको, डाइस का क्वेश्चन है, कह रहा कि ए बी सी डी और एफ फलक एक घनाकार दे रखी है, आपको पूछा यदि ऊपरी फलक एफ हो, इसका मतलब यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, ये एफ का अपोजिट पूछ रहा आपसे, एफ का विपरीत बताना आपको, कैसे बताओगे बताओ, एफ का विपरीत कैसे बताओगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले नंबर इसमें कॉमन देखा करो, किसकी बात हो रही, ये कॉमन की बात हो रही, तो कॉमन देखो डी हो जाएगा, कॉमन कौन सा बनेगा, डी बनेगा। अब क्या करो, कॉमन देखने के बाद में इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है, इसको क्या करो क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, तो कैसे बनेगा देख लो, ये डी बनेगा, डी के बाद सी, सी के बाद बी बनेगा, ठीक है। अगला देखो, और जहां से ये कॉमन हो वहीं से आपको लिखना शुरू करना है, डी ए और ई, ठीक है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पर तो दो बार रिपीट हो रहा है, अगर ये दो बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उनमें से जो एक लेटर है वो यहाँ पर जरूर है। अब अगर बात करते ए बी सी डी और ई, अब देखो आगे क्या दे रखा बच्चा, एफ दे रखा भैया, अब तो दया देखो ना, यहाँ से ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ठीक है ना, ए से कहां तक था, एफ तक दिया था, तो यहाँ पर आपसे पूछा किसका जा रहा बच्चा, आपसे पूछा जा रहा एफ का, तो ये आपका अपोजिट कौन सा बनेगा भैया, आपका अपोजिट डी बन जाएगा, एफ का डी बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि सर सी का अपोजिट बताओ, तो सी का क्या बनेगा, ए, बी का क्या बन जाएगा, तो ये बात समझ में आ गई ना, तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल आपका आंसर सही बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बनेगा, डी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, कैसे आपको ध्यान देना है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्लियर हो गया। चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, देखिए इसका आंसर बच्चा कौन करेगा, जैसे अगर ऐसे दे दिया जाता तब क्या करोगे, देखो ये है, आपको बताना है इसमें कौन सा इसका विपरीत निकल आएगा, बताओ सारे के सारे विपरीत करके बता दो, एक का क्या बनेगा, दो का क्या बनेगा, और तीन का विपरीत आपका कौन सा बनने वाला, बताएं सारे सारे जल्दी से, अभी बताओ देखते हैं कितना नॉलेज है। आंसर बताओ क्या इसका आंसर बन जाएगा, ध्यान से करना बेटा, जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं करना है, ध्यान से करेंगे इसका आंसर क्या बनेगा। देखो अब मैंने आपको तरीका भी बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि सर सबसे पहले नंबर पे कॉमन देख लो कॉमन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर कॉमन यहाँ पर कितना, छह दिख रहा है, यहाँ भी कॉमन छह दिख रहा है, ठीक। अभी छह जो है ना इसको क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे करके, छह छह के बाद क्या आएगा, चार, चार के बाद क्या आएगा सर, पांच आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहां से देखो
अगर इसकी हम लोग बात करें यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, छह बनेगा, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो ये तीन बनेगा, तीन भी यहाँ पर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगला बात करेंगे सर, अगला दो बन जाएगा, क्लियर हो गया, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। अगला देखो यहाँ पर, अब बात ये करते हैं सर, जिस तरीके से आप यहाँ पर बात कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो डाइस होता है वो एक से लेकर छह तक आपको होता है, कितना, एक से छह तक, ये डाइस पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक नंबर कैसा हुआ देखो, रिपीट हुआ, ये छह नंबर कैसा रिपीट हुआ, अगर छह रिपीट होगा तो एक नंबर यहाँ पर छूटा होगा ना, ये आपका छूट गया। अब बात करते हैं सर रिपीट अपोजिट कौन सा बनेगा, अगर पांच का पूछेगा तो दो बनेगा, चार का पूछेगा तो तीन बनेगा, और छह का पूछेगा तो एक बनेगा। क्या इतनी बात सारे बच्चे समझ पाए, क्या इतनी बात सारे बच्चे समझ गए, बिल्कुल, छह का छह बनेगा। अरे छह का छह कैसे बनेगा, तुम तो बेटा बिल्कुल भी अर्थ का अनर्थ कर रही हो, स्टडी गर्ल है, स्टडी गर्ल क्या कर रही हो बेटा, गलत करोगी आंसर तुम, जरा ध्यान दो बेटा, ये छह का अपोजिट एक से छह तक अंक हमारे होते हैं, तो जो रिपीट होता है छह का छह, ये तो कैसे हो जाएगा बताओ, डबल बार होता है क्या भैया। अगर हम डाइस की बात करते हैं, अरे लूडो नहीं खेली हो क्या तुम, लूडो नहीं खेल पाती हो क्या बेटा, लूडो की जब बात करोगे तो छह का अपोजिट छह आ जाएगा क्या, है क्या बात है, लूडो लग रहा तुम्हें सिखाना पड़ेगा फिर हमें, तो लूडो सिखाना पड़ेगा, क्लियर हो गया सारे बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का बताए सारे एग्जाम में, क्लियर हो रहा है ना, बताओ क्या यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, देखो कह रहा कि MN रेखा पर एक दर्पण रखा है, और दर्पण आपको बताना कि कौन सा इसमें फिगर आपका बन जाएगा, दर्पण की बात हो रही है, दर्पण के लिए क्या करोगे, दर्पण के लिए आपको क्या करना है जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, ये दर्पण दे रखा है, तो भैया दर्पण में याद रखेंगे जो चीज पास में होगी वो हमेशा पास में दिखाई देगी, जो दूर होगी वो बिल्कुल दूर आपको नजर यहाँ पर आएगी, ठीक है। कैसे जरा देखो ध्यान से, आप बोलोगे सर सबसे पहले नंबर पे आपने बताया कि जो चीज पास होगी वो पास होगी, तो भैया अगर हम लोग बात करते हैं ये देखो दूर है, ये दूर है इसका मतलब ये दूर ये भी जाएगा, इसकी बात करते हैं यहाँ पर तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये आपका फिगर बन जाएगा, तो भैया देख लो इसमें फिगर कौन सा बनेगा, क्या ये बनेगा, अरे सर ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें देखो ये अलग दे रखा है, ये देखो ऊपर की तरफ है तो ये भी नहीं बनेगा, ये अलग है यहाँ पर तो ये भी आपका नहीं बनेगा, ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखो एग्जामिनर ने थोड़ी सी चालाकी कर दी, एग्जामिनर ने थोड़ी सी चालाकी क्या कर दी, ध्यान देना भैया यहाँ पर तो बी बनेगा लेकिन बी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन आपका कहाँ पर दे रखा बच्चा, बी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, डी में दिया, ठीक है क्लियर हो गया। ये गलती आप लोग करोगे, ये गलती आप लोग करोगे कि यहाँ पर हमने बताया, इस तरीके से आप जब करोगे तो ध्यान से आपको समझ के चलना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, दर्पण फिर से बताना कि आपको दर्पण वाली यहाँ पर कौन सी बन जाएगी, दर्पण बताना है कौन सा बन जाएगा, हाँ क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि नहीं, ध्यान से करना क्वेश्चन को बेटा, जल्दबाजी में गलत कर दोगी, ऐसे गलत करके आओगी एग्जाम में क्या बताओ, क्या बनेगा इसका आंसर, देखो मिरर यहां भी है तो मिरर में कोई दिक्कत वाली बात है, आपको पता है कि जो चीज पास में होगी वो पास में दिखेगी, जो दूर होगी वो दूर दिखेगी, देखो ये दोनों तो कैसे होगा बच्चा, कैंसिल हो गए, इन दोनों तो आपको बनना नहीं है, अब आंसर तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब बात करते सर, अगर आप देखोगे ये वाला जो है बिल्कुल सेम दिख रहा है, इधर सेम है, और इसका अगर ये भी तो आपका नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा जाएगा, ए बनेगा, और अगर ये ए बनेगा तो यहाँ पर ए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपका अपोजिट यहाँ पर बन जाता है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं सारे बच्चे जल्दी से, सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई, आप लोग सेशन को लाइक और शेयर रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बताएं सारे बच्चे एक बार आंसर बताएं इसका कौन सा बन जाएगा, बताओ क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको क्या करना है बच्चा, दिल लिख लो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है, क्रम से लगाना है,
क्रम से लगाना पड़ेगा। क्रम से मतलब क्या होगा बच्चा, डिक्शनरी के शब्द कोश के अनुसार। चलो बताओ जल्दी से, बताओ ये तरीका मैंने बेटा बार बार आपको कराया हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को आंसर। मैंने बताया था कि सबसे पहले नंबर पे आप देखो कि जो सेम ले रखा उसको हटा दो, जो लेटर सेम है वहां तक आप हटा दो सबसे पहले नंबर पे। देखो सी सभी में है, एच सभी में है, आर सभी में, आई सभी में, एस सभी में, टी सभी में। क्लियर हो गया बच्चा? इसका मतलब क्या है, इसको पूरा कट कर दो, यहां से पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, ये भी यहां तक, ये भी यहां तक, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है बच्चा, अब देखना अगर इसकी बात करें, ये जीरो हो गया तो भैया जीरो वाला तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि आगे लेटर दिए नहीं गया, एक तो आपका जाएगा जाएगा, तो शेर होगा। इसकी बात करेंगे ये कितना बनेगा सर, 13 बनेगा। इसकी बात करेंगे ये 9 बनेगा और ये आपका 15 बनेगा और 15 के बाद भैया आपका 5 बनेगा। अब बात करते सर सबसे पहले नंबर पे कौन सा जाएगा, एक नंबर जाएगा। इसके बाद कौन सा जाएगा, दो नंबर होगा ये, और दो के बाद तीन नंबर होगा, तीन नंबर बाद चार नंबर बनेगा और पांच नंबर आपका ये बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सर आंसर कौन सा जाएगा, तो पहले नंबर पे कौन सा जाएगा, एक नंबर, दूसरे नंबर पे पांच जाएगा। अब देखो ये तो पक्का हो गया कि सर यहाँ पर 1 3 1 3 दोनों ऑप्शन आपके नहीं बनेंगे, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं बनने वाले। ठीक, अगर हम लोग बात करें अंतिम नंबर कौन सा जा रहा, चार जा रहा, और भैया यहाँ पर कितना जा रहा, दो, तो आंसर कौन सा जाएगा, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर 153 24 बिल्कुल, 153 24 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बेहतरीन, अगली बात सारे बच्चों को समझ में क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सारे बच्चों को, अगर आप डेली क्लास को ले रहे हैं तो समझ में जरूर आ रहा होगा। अगला बताओ इसको, ये सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना एनालॉगी सीरीज कुछ भी हो। 18 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोल रहा है, 23 को 72 तो 38 को क्या लिखा जाएगा, 23 को 72 तो 38 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। बताओ देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन में दिया जाए क्या है, किसकी तेज की बात, देखो 23 की हमें 72 पे जाना है, कैसे लाओगे बच्चा, क्योंकि अगर आप देखोगे बच्चा इसमें आपको लाना, अगर 23 दून कितना होगा, 46 होगा। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें सर, हाँ कर सकते हो, तो देखो कितना बनेगा, 3 त्रिका कितना बनेगा सर, 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और 3 दूना कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, इतना आ गया। अच्छा हमें जाना कहाँ तक सर, हमें जाना था 72 तक, तो अगर हम प्लस का 3 कर दें बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या इतनी बात समझ में, तो 72 कैसे ही आया, मतलब जो नंबर दिया गया उसका 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और वो जो 3 मल्टीप्लाई वही इसमें जोड़ा जा रहा है। अगला देख लो यहाँ पर, ये कितना 38 है, 38 की हम लोग बात करते हैं, 38 का कितना 3 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 तिहाई कितना बनेगा सर, 24 बनेगा, 8 तिहाई कितना बनेगा सर, 24 बनेगा। हाँ क्लियर हो गया सारे बच्चों को, बिल्कुल। अब देखो आप ना, आप पूरा सॉल्व मत करो, 8 तिहाई 24 और प्लस का 3 भी आपको करना है, तो यूनिट डिजिट देख लो 7 बनेगा, यूनिट डिजिट देख लो 7 बनेगा, और 7 आपके ऑप्शन में कहां पर, ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में, तो ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, बाकी ऐसे कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 8 तिहाई कितना बनेगा, 24, करी लगा 2, 3 त्रिका 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्लियर हो गया। और 3 आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, 3 अपनी तरफ जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए हाँ बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर बताया, 117 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर केवल एक लोग ही यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल अंकज आंसर 117 आपका आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बेटा। जब आपको पता रहती है कि डेली जो क्लास होती है, ठीक है ना, डेली जो क्लास होती है वो कितने बजे से होती है, क्लास सारे बच्चे जानते हैं कि डेली जो क्लास होती है उस क्लास को अगर हम बात करें, डेली 3 PM से क्लास होती है बच्चा, तो आप इस क्लास को समय से आ जाया करो और समय से क्लास का आप
पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? सर बिल्कुल क्लियर। अगला बता दो, अगला क्वेश्चन बता दो कौन सा बन जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे कौन सा बन जाएगा। आगे आंसर, आंसर आया कि नहीं आया देखो। यहां पर बात कर रहे हो कितना दे रखा, 62। ये 62 है और ये 145 है, कैसे बनाओगे? अगर आप देख रहे होगे, अगर इसका 2 times भी करोगे तो क्या बनेगा? सर यहाँ पर आपका नहीं बनने वाला है, इसका मतलब कि आप कुछ और करके देखो। ये बच्चा कितना है, 62 है, तो 62 को अगर हम देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर अगर हम 8 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करने के बाद माइनस का 2 कर दें, सर 62 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखो। यहाँ पर अगर बात करोगे 12 का स्क्वायर करोगे और प्लस का 1 करोगे, 12 का स्क्वायर प्लस का 1 करोगे तो आपको पता कितना बनेगा, 144। 144 प्लस 1 करोगे तो 145 यहाँ पर निकल के आया। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपका 62 और 145 ऐसे निकल के आया। कैसे निकला बच्चा? मैंने क्या बताया कि जो 8 का स्क्वायर किया और माइनस का 2 कर दिया, 8 का स्क्वायर माइनस का 2 किया तो यहाँ पर आपने 62 निकल के आ गया। 12 का स्क्वायर किया आपने, इस करके देखा। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ऐसा कौन सा है जिसमें आपका 2 माइनस हो रहा है और प्लस का आपका 1 आगे किया जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब कैसे बनेगा जरा देखो, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक, ऑप्शन की बात करोगे माइनस का 2, देखो जी 79 है, तो भैया प्लस का अगर 2 करोगे तो 81 तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये 81 होगा, 81 9 का स्क्वायर भी है, हाँ सही है। लेकिन अगला देखो, ये कितना दे रखा सर, 164 है। भैया 168 जो है ना, किसी के क्या 167 किसी का स्क्वायर होता है बताओ? अरे सर 167 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो भैया इसको क्या करो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, यहाँ पर 119 और अगला दे रखा है, देख लो इसको, चेक कर लो कितना 119 है। 119 की हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें प्लस का 2 करोगे, ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आए, और प्लस का 2 करोगे कितना बनेगा सर, 121 बनेगा। 121 की हम लोग बात करें, आंसर कितना जाएगा सर, 11 का स्क्वायर ये चला जाएगा। बिल्कुल सही बात, ठीक। अगला देखो, अगले की हम लोग बात करते हैं, अगला यहाँ पर क्या है, 226। 226 में 1 माइनस करोगे कितना बनेगा सर, 225 बनेगा, और 225 किसका होता है सर, 15 का होता है। ये बात आपको समझ में आएगी सर, बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कौन सा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? हाँ बिल्कुल बेटा, आंसर कौन सा जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। हाँ 15 का स्क्वायर बिल्कुल, और 11 का स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला बता दो, कुछ सेब लाल होते हैं, सभी लाल संतरे होते हैं, अब जल्दी से आपको बताना कौन सा यहाँ पर बन जाएगा। कुछ सेब लाल होते हैं और सभी लाल संतरे होते हैं, बताओ। आंसर करेंगे कौन सा इसका आंसर है, इसका बनके तैयार हो जाएगा, बताओ जल्दी से। क्या बनेगा इसका आंसर? आया आप देखो, कुछ सेब कैसे हैं लाल है? कुछ सेब कैसे हैं लाल, तो ये है सेब, और इसकी बात करें ये है क्या लाल, ठीक। अगला देखो, सभी लाल कैसे हैं संतरे हैं, जितने भी लाल हैं वो कैसे संतरे हैं, ये आपका दे रखा है। अब जरा बताना ध्यान से, क्या दे रखा बच्चा, कह रहा है कोई संतरे सेब नहीं है, कोई संतरे सेब नहीं है, और कुछ सेब संतरे हैं, आपको बताना इसका आंसर कौन सा बनेगा, बताओ। आपको ध्यान से प्रश्न करना है, जल्दबाजी में आप आंसर बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चा, बताएं जल्दी से। देखो अगर ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई संतरे सेब नहीं है। बच्चा देखो यहाँ पर तो ये कुछ वाला तो लगा हुआ है, तो कह रहा है कोई नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये तो गलत कह रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, और जब रिलेशन दिखाई पड़ रहा तो कैसे कह सकते हैं यहाँ पर आपका नहीं बनेगा। अच्छा अगला देखो, कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे, हाँ बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि ये अंदर से यहाँ पर लेकर आया, इसका मतलब ये तो सही बन जाएगा, ये पहले आपका दूसरा यहाँ पर सही जाएगा। और दूसरा सही कहाँ पर दे रखा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हुआ, बताएं जल्दी से। हाँ सारे बच्चों को यहाँ पर क्लियर हो रहा है, बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा बनेगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताएं बच्चा। केवल दो बनेगा, अंकज स्टडी गर्ल। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपने बताया, बताएं जल्दी से, इसको क्रम से लगाना है। पौधा है, बुआई है, बीज अंकुरण है, फूल है, बताओ आंसर कौन सा बन जाएगा। इनको क्रम से लगाना आपको है, सबसे पहले क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, आंसर बताना, बताओ क्या बनेगा। पौधा, बुआई, फूल और बीज अंकुरण, कैसे करोगे देखो ध्यान से। यहां पर आपको देखना सबसे पहले नंबर पे क्या होगा बताओ, पौधा होगा या बुआई होगी या बीज अंकुरण होगा। बताओ देखो, आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेटा किसी चीज की क्या होगी, बीज की बुआई होगी, बीज की क्या होगी, बुआई होगी। तो भैया सबसे पहले नंबर पर क्या होगा, खेत में क्या डाला जाएगा, बीज डाला जाएगा, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुआई बोलते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्या होगा बच्चा, जब बीज डाल दोगे तो बीज का अंकुरण होगा, ठीक। इसके बाद क्या जाएगा बच्चा, हाँ चलो बीज का अंकुरण होगा, इसके बाद क्या बनेगा बच्चा, पौधा बनेगा, इसके बाद आपका पौधा बनेगा, और पौधे की हम लोग बात करते हैं, पौधे में क्या लगेंगे, फूल लगते हैं। तो बच्चा दो नंबर सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक, दो नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। ये आपका तीन नंबर हुआ, बीज अंकुरण आपका चार नंबर हुआ, और पौधे की बात करेंगे तो पौधा आपका एक नंबर पे हुआ, और इसके बाद आपने देखा किसकी बात हो रही है, आप फूल की बात हो रही, फूल आपका दो नंबर हुआ। 34-12 इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आप लोग एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें, जो नए बच्चे उनको अगर जानकारी नहीं है उनको बताना चाहेंगे, जो भी आपके साथी हैं वो क्या कर सकते हैं, डेली 3 PM पर क्लास को आप ले सकते हैं, डेली 3 PM पर क्लास होती है, तो इस क्लास का आप फायदा जरूर लें बच्चा, डेली क्लास आपकी होती है, ठीक है। हाँ सारे बच्चे समय से आ जाया करो, 3 बजे से क्लास चलती है, 3 बजे से आप चीजों को यहाँ पर आ जाए, क्लियर हो गया। चलिए हाँ तो आज के लिए दे रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए, और इसी तरीके आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने लोगों को ख्याल रखिए। चलिए थैंक यू एवरीवन।